हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज के मेरे फिटनेस मंत्रा में मैं आप लोगों के साथ कोई भी एक्सरसाइज शेयर नहीं करूंगी। वो इसलिए कि मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूं और वो इम्पोर्टेंट बात आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखने वाली है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पानी हमारी वेट लॉस के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्यों अपनी वेट लॉस जर्नी में अपने एक्सरसाइज और खाने के साथ हमें पानी का भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ वो पांच रीजन जिसकी वजह से पानी पीना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी सारी बीमारियों का जड़ होता है हमारा पेट। अगर हमारा पेट सही से साफ न हो तो हमें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है और ये ब्लोटिंग की ही प्रॉब्लम होती है कि कभी तो आपको लगेगा कि आपका वजन घट गया और अगले ही दिन आपको ये लगेगा कि आपका वजन एकदम से बढ़ गया। वो इसलिए क्योंकि आपके पेट में ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। ब्लोटिंग का मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होता है, आपको लगता है कि आपकी टमी बहुत ज्यादा हैवी हो गई है और वो इसलिए होता है कि पेट साफ न होने के कारण आपके पेट में गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। पानी का इंटेक बढ़ने से आपका डाइजेशन प्रॉपरली होता है और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि ब्लोटिंग है वो खत्म होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट होता है जो कि हमारे टमी एरिया पे होता है स्पेशली, वो पानी पीने के कारण धीरे धीरे गलता है और आपके यूरिन और स्टोल के रास्ते बाहर निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप मैक्सिमम पानी पीने की कोशिश करें ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फैट गले और आपके बॉडी से वो बाहर निकले थ्रू यूरिन और स्टोल। तीसरी, अगर आपका पानी का इंटेक बहुत ज्यादा अच्छा है तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारी जो अतड़ियां होती हैं, वो गीली होती हैं और उसी की वजह से वो हमारे मेटाबॉलिक रेट को और ज्यादा इंक्रीज करती है जिससे हमारा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है और हमें सही समय पे सही मात्रा की भूख भी लगती है। पानी केवल आपके डाइजेशन और ब्लोटिंग की ही प्रॉब्लम को दूर नहीं करता, पानी आपके ड्राइनेस यानी कि स्किन और हेयर को भी इम्प्रूव करता है। जब हम अच्छी मात्रा में पानी पीते हैं तो हमारे डेड सेल्स जो है वो पसीने के थ्रू बाहर निकलते हैं। प्लस अगर हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ रहता है, अगर हमें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो सारी की सारी चीजें जो है हमारे स्किन के थ्रू दिखती है। हमारे बॉडी में कम से कम 70% पानी है तो अगर हम पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं तो जिनको भी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है या समय से पहले झुर्रियां आने लग जाती हैं तो पानी पीने से आपके स्किन पे एक नेचुरल शाइन रहती है जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी लुकिंग बनाती है। तो पानी सिर्फ आपके वेट लॉस के लिए ही नहीं, पानी आपकी स्किन के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। पानी पीने से हमारे जो बाल होते हैं इनकी जड़ों तक भी वो पानी पहुंचता है और हमारे बाल जो होते हैं वो काफी ज्यादा हेल्दी लुकिंग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के बहुत अच्छे बाल होते हैं लेकिन वो दिखने में बहुत ज्यादा ड्राई और ब्रिटल दिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बाल नहीं लगते। लेकिन अगर आपके बाल भले ही थोड़े छोटे हैं लेकिन काफी ज्यादा शाइनी और हेल्दी लुकिंग है तो वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जो भी इंसान ज्यादा पानी पीता है उसके बाल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्दी लुकिंग, शाइनी और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो पानी न केवल आपके पेट के लिए, आपके चेहरे के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए और आपके हेयर के लिए भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पानी को सही तरीके से कैसे पिया जाए। हमेशा याद रखें कि तीन समय जो हम खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना, खाना खाने से आधा घंटे पहले एक गिलास पानी और खाना खाने के आधे घंटे बाद एक गिलास पानी, यानी कि ये तीन मील में आपके 6 गिलास पानी हो जाते हैं। उसके बाद मैं दिन भर में कम से कम शाम के समय मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ। ये मैं ध्यान रखती हूँ कि मुझे कब कब कैसे कैसे पानी पीना है।
प्लस उसके अलावा भी मैं दिन भर में काफी बार ग्रीन टी पीती हूँ, उसके थ्रू भी मैं काफी सारा पानी का इंटेक करती हूँ। तो मैं कुल मिला के पूरे दिन भर में 11 से 12 ग्लास पानी पी लेती हूँ और एक नॉर्मल इंसान को मिनिमम 8 ग्लास या मैक्सिमम 12 से 13 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। पानी ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपके वेट लॉस का। तो जो भी आप में से जो भी वेट लॉस के लिए ट्राई कर रहा है, सबसे पहले वो अपने पानी के इनटेक को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि पानी ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके वेट लॉस। पानी पीने की आदत आप कैसे लगाएं? ये करें कि आप एक रिमाइंडर लगा लें। आजकल तो एंड्रॉइड फोन्स में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपको वाटर रिमाइंडर देते हैं, तो इस तरीके के किसी एप्लीकेशन को आप अपने फोन में लगा दीजिए जो आपको हर आधे घंटे या एक घंटे के बाद पानी पीने का रिमाइंडर देगा। मैंने भी इनिशियली ऐसे ही स्टार्ट किया था। दूसरा, आप कोशिश करें कि ग्रीन टी या लेमन टी या इस तरीके की कोई चीज पिएं जिसके थ्रू आपको पानी मिले। इम्पोर्टेंट चीज जो है, आप वाटरी फ्रूट्स खाएं, लाइक वाटरमेलन खाएं, ऑरेंज खाएं। जब भी आपका मन करे कुछ मीठा खाने का और आप वेट लॉस में हैं और आप मीठा नहीं खाना चाहते हैं, तो मीठे का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है फ्रूट्स। तो स्पेशली फ्रूट्स में आप वाटरी फ्रूट्स खाएं और सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स खाएं जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप एक चिट बनाएं और उसमें मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे के हिसाब से 8 ग्लास पानी लिखें और जब जब आप 1 ग्लास पानी पिए उसको क्रॉस कर दें। लास्ट में दिन खत्म होने के बाद आप उस लिस्ट को चेक करें कि मंडे के दिन आपने कितना ग्लास पानी पिया और कोशिश करें कि हर दिन के हिसाब से आप 1 ग्लास पानी जो है उसमें इंक्रीज करेंगे और उस स्लिप को या उस चिट को आप कहीं ऐसी जगह रखें जो आपके लिए बहुत ज्यादा हैंडी हो। जैसे मैं मैक्सिमम 10 किचन में रहती हूँ तो मेरी जो ये स्लिप है वो हमेशा मेरे फ्रिज पे रहती है और मैं उसे, अब तो मैं ये प्रैक्टिस नहीं करती बिकॉज अब मुझे आदत है पानी पीने की, लेकिन जब इनिशियली मैंने शुरू किया था तो मैंने इसी तरीके से शुरू किया था। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपका वाटर इनटेक धीरे धीरे इंक्रीज भी होता रहे। तो ये कुछ तरीके थे कि आप पानी को अपनी लाइफ में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और कोशिश करिए कि पानी की तरफ ज्यादा ध्यान दें। हमारी बॉडी एक मंदिर की तरह है, अगर आप अपनी बॉडी को एक मंदिर की तरह मानते हैं तो इस मंदिर की भी बहुत ज्यादा देखभाल करनी होती है। पानी उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस देखभाल में पानी को इन्वॉल्व करिए, पानी का इंटेक बढ़ाइए, बाकी सारी चीजें यू नो विल बी टेकन केयर ऑफ। चाहे वो आपका स्किन हो, चाहे वो आपका हेयर हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपका वेट हो, ये सारी चीजें जो है पानी आराम से टेक केयर कर लेता है। तो बस इसी नोट पे अपने आज की इस वीडियो को खत्म करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।